हेलो गाइस, एसजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये डिजिटल मल्टीमीटर चलाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो गाइस देखिए 1000 रुपये, मैं इसको 1000 रुपये सेट कर दिया हूँ। अगर आपको 1000 रुपये DC वोल्टेज चेक करना है तो आप 1000 रुपये इसको सेट करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप फिर गाइस 200 वोल्ट पे आ जाते हैं। अगर 200 वोल्ट के कोई नीचे आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर गाइस देखिए आप 20 वोल्ट पे आ गए हैं, आपको 20 वोल्ट पे सेट करना है। अगर 12 वोल्ट बैटरी चेक करना है, चाहे कोई सा भी बैटरी चेक करना है, तो आप 20 वोल्ट पे भी सेट करके आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस मैं ये लैपटॉप की बैटरी ले रहा हूँ, तो गाइस मैं इसको चेक करता हूँ। गाइस आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको शो होगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो गाइस देख सकते हैं मेरा 3.3 वोल्ट मेरा बैटरी चार्ज है। मैं इसको निगेटिव पॉजिटिव गलत लगा रहा हूँ, इसलिए गाइस यहाँ पे आपको माइनस दिखा रहा है। तो देखिए गाइस मैं इसको माइनस लगा लेता हूँ और प्लस दोनों सही से लगा लेता हूँ, तो देखिए गाइस वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो गाइस ये हो गया, और गाइस ये MH चेक करने के लिए है। और गाइस इसके नीचे आ जाते हैं तो गाइस इसके नीचे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। गाइस मैं देखिए आपको ये रेजिस्टेंस चेक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस इसमें नहीं बताया तो आप इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, ऊपर नीचे, इसमें भी नहीं बताया तो गाइस आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसका वैल्यू शो हो गया। तो गाइस इसके बाद इसके नीचे आते हैं, तो गाइस इसके बाद ये कंटिन्यूटी है। अगर गाइस आपका पहले मल्टीमीटर मतलब कहीं से वायर यहाँ से कभी छूट जाता है, यहाँ से कभी कुछ हो जाता है, तो पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिए। तो गाइस ये बीप का आवाज़ आ रहा है, एकदम सही टेस्ट ओके, मतलब मल्टीमीटर आपका अभी चालू है, आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है बीप वाले पे। तो गाइस मैं डैशबोर्ड चेक कर रहा हूँ, डैशबोर्ड। तो गाइस देखिए मैं डैशबोर्ड चेक कर रहा हूँ। तो गाइस मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगाया, इसलिए इस पर कोई रीडिंग नहीं आया है। तो गाइस मैं इसको अब सीधा सही से लगाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं डैशबोर्ड हमारा सही है। अगर गाइस डैशबोर्ड में आपको बीप का आवाज़ आए तो समझ जाइए कि डैशबोर्ड आपका ख़राब है, शॉर्टिंग है। तो गाइस उसके बाद मैं आपको LED भी चेक करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास 3.7 वोल्ट का है गाइस। तो गाइस आप इसको LED भी चेक कर सकते हैं। गाइस देखिए मैं इसका नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगा हूँ, इसलिए ये लाइट ग्लो नहीं किया है। तो गाइस मैं आप देखिए इसको ऐसे लगाता हूँ नेगेटिव, तो देख सकते हैं गाइस ये LED ग्लो कर रहा है। तो गाइस आप यहाँ पर लगा कर आप कोई भी चेक कर सकते, बीप पे लगा कर डायोड LED कैपेसिटर जो भी चेक करना हो आप चेक कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आप यहाँ पे एम्पियर पे आ जाते हैं, एम्पियर पे चेक करने के लिए गाइस आपको ऊपर वाला आपको नीचे करना होगा। तो गाइस आप यहाँ से आप अपना एम्पियर चेक कर सकते हैं गाइस, यहाँ से आप 10 एम्पियर पे जितना भी आप एम्पियर यहाँ से पूरा सेट करके आप अपना एम्पियर सेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सब कुछ जान गए होंगे। गाइस अगर कुछ भी भूल चूक हुआ हो तो माफ़ करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो गाइस कमेंट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।